यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी सरकार ने राज्य में हवाई सफर को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवाओं को सस्ता करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को 10% इंसेंटिव देने और बिजली चोरी रोकने के लिए अलग थाने बनाने का भी फैसला किया है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत पर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने यूपी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी। अस्पताल में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कमेटी का गठन किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल ने लापरवाही बरती थी। हालांकि यूपी सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया था। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से बुरा हाल है। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। जिले के करीब 700 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक यहां 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कानपुर में दहेज उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। सोफिया अहमद नाम की महिला ने यह आरोप भी लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति ने 13 अगस्त 2015 को उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। आरोपियों में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गजाला लारी भी शामिल है। गजाला पीड़ित महिला की ननद है। महिला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव की वजह से लंबे समय तक पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की थी। यूपी के इटावा में सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। ग्वालियर बरेली राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक छात्रा को चपेट में ले लिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल के लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। घायल ट्रक ड्राइवर काफी समय तक सड़क पर ही पड़ा रहा। काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को बचाया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग भी लगा दी। बरेली में घर में घुसकर दो लड़कियों पर तेजाब से हमला किया गया। वारदात में दोनों लड़कियां बुरी तरह झुलस गई हैं। वहीं बहनों को बचाने में भाई भी झुलस गया। आरोप है कि 500 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। स्वर्ण मंदिर में इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। स्वर्ण मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया गया था। देश दुनिया से जुटे श्रद्धालुओं ने दिए भी जलाए। चंडीगढ़ को पहली महिला एसएसपी मिल गई है। नीलांबरी विजय जगदले ने चंडीगढ़ की एसएसपी का पद संभाला। 2008 बैच की पंजाब कैडर की आईपीएस नीलांबरी ने कहा कि पुलिस पर हमेशा राजनीतिक दबाव होता है। चंडीगढ़ में पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ हुई वारदातों के मद्देनजर नीलांबरी के सामने महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। पंजाब के फाजिलका में मारपीट और फायरिंग का वीडियो सामने आया है। 17 अगस्त को एक मॉल में हुई फायरिंग में कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इस वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने अकाली नेता विंशु कंबोज पर हमला किया था। कंबोज ने जवाब में फायरिंग की थी, जिसमें गुरमीत सिंह और सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस हर पहलू से जांच की बात कह रही है। पंजाब के नवांशहर के रायत बहाड़ा कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। मेले के पहले दिन करीब 1500 युवाओं ने हिस्सा लिया। ये मेला 31 अगस्त तक चलेगा और इसमें करीब 55 कंपनियां शामिल हुई हैं।